भाइयों उम्मीद करता हूँ सब भाई खरे से होंगे। आप भाइयों का शौक पूरा कराता हूँ, नाड़ी फार्म के मुंदरे और मुंदरियाँ और भेड़ें और राजनपुरी बकरियाँ सब दिखाता हूँ आप भाइयों को। चलते हैं आगे। ये पहले ये मुंदरे, ये 2 माह की है और नफोड़ वगैरह माशाल्लाह खूबसूरत है इसका। ये देखें और ये पूछ वगैरह भी खूबसूरत है। दूसरे नंबर पर ये बकरियाँ हैं, राजनपुरी बकरियाँ, बिल्कुल ये राजनपुरी हैं। ये देखो इसका नफोड़ वगैरह देखो, और ये भेड़ है ये देखो, ये प्योर नस्ल है नाड़ी फार्म की। जैसे बड़ी भेड़े होते हैं ना, ये प्योर नस्ल है बिल्कुल। आगे आपको दिखाता हूँ, ये देखें भारी भारी भेड़ है जी। जैसे ना भारी होती है बड़ी भेड़ ऐसे ही। वैसे तो ये देखो ये राजनपुरी, बिल्कुल राजनपुरी, प्योर राजनपुरी है। ये देखो इसका नकोड़ वगैरह भी चेक करो, ये देखो। और वैसे तो मंडी पे लोग दिखाते हैं वीडियो, मैं चाहता हूँ कि देहात में जो लोगों ने रखे हुए हैं आपको शौक वहाँ पूरा कराऊँ, तो इसलिए मैं आपको वीडियो ये दिखा रहा हूँ। ये नाड़ी फार्म का जो ना भेड़ का छोटा बच्चा है, ये देखो इसके ये नकोर देखो, और गुलाबी आँखें, गुलाबी सब कुछ। अभी ये बच्चा है, मेरे ख्याल में ये एक तरफ से ये देखो कजला है, दूसरी तरफ से बिल्कुल कक्का है। ये 10-12 दिन का होगा। और भाइयों का शौक़ पूरा कराने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये दूसरा लेके आ रहे हैं, ये भी दिखाते हैं आपको, पकड़ा। और अब दोनों लेके आए हैं। अभी ये जो ना मुंदरी है, ये मुंदरा है, ये देखो इसको देखो, इसका ना कोड़ वगैरह ये देखो, ये देखो, ये जो ना नाड़ी फार्म की नस्लें हैं, बिल्कुल प्योर नस्लें छोड़े। ये देखो ये मुंदरी है, और ये देखें ये राजनपुरी है जो ना, ये छोटा बच्चा है अभी, ये इसका ये देखो नकोड़ वगैरह, कान और अच्छी तरह से देखो। और ये सींग हैं, उसके ऊपर कोई दवाई लगाई गई है ताकि ये सींग ना पैदा हो। लोग लगाते हैं अपने शौक के लिए ताकि ये सींग पैदा ना हो इनके। ये देखो, और ये शौक़ पूरा कराने के लिए भाइयों को दिखा रहा हूँ। अगर लेना चाहोगे तो पूछ लूँगा इन भाइयों से कि ये लेना चाहते बेचना चाहते हो या नहीं, वो हो जाएगा। दूसरा दिखाता हूँ, ये देखो ये भी राजनपुरी बकरा है, ये खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखो छोड़ना, ये जो ना इधर चहल पहल के लिए लेके आते हैं। और ये देखो सब के सब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो कुछ राजनपुरी बकरियाँ हैं, कुछ जो ना नाड़ी फार्म की भेड़ें, और कुछ जो ना बस वैसे जैसे एक होती है चीज़ ना नॉर्मल सी, वो भी मिली हुई है सब। लेकिन आपके शौक़ के लिए, भाइयों के शौक़ के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि भाई देखें, ठीक है भाई। और भाइयों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आगे शेयर करें दोस्तों के साथ। और आपको जो ना ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह, और नई चीज़ें जैसी जैसी आएंगी सिर्फ आपके शौक़ के लिए ये दिखा रहे हैं भाइयों के लिए। और जो ना सेल के लिए जो मुंदरे आते हैं वो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन ये शौक़ के लिए भाइयों को दिखा रहा हूँ। स्पेशली वीडियो भी बड़ी बना रहा हूँ इसलिए। और आगे जाके आपको बकरियाँ दिखाता हूँ जो सामने खड़ी हैं। और ऊपर से मौसम आज ख़राब है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं डेरा गाजी खां में, ठीक है भाइयों। आज जो ना सोमवार का दिन है, और सोमवार का दिन है, और जो ना इस वक्त मेरे ख्याल में टाइम 4:30 बज रहे हैं, और बादल छाए हुए हैं। और मैंने कहा वीडियो भाइयों के साथ शेयर करता चलूँ। ये देखो ये बकरी है, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बर्बरी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं इसके बारे में नहीं जानता, लंबी पूछ वाली है। और ये देखें ये राजनपुरी भी हैं और नॉर्मल सी भी हैं। ये बच्चा जो पहले आपको दिखाया वही बच्चा है मेरे ख्याल में, और ये राजनपुरी है। और भाई मेरी लोकेशन जो ना डेरा गाजी खां है, और जो ना ख़ास जगह नाड़ी फार्म। और ये भेड़ देखें, ये बच्चा देखें, और ये बकरी का बच्चा है, पता नहीं कौन सी ये नस्ल इसको कहा जाता है, मेरे ख्याल में ये भी बर्बरी है बड़े कानू वाला। और इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़ करते हैं, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू भाइयों, थैंक यू।